हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ जी एस चौहान टीम बॉटनी सी एल हम आज डिस्कस करेंगे जो डी सी एम टेस्ट सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो रही है उसका मेज़र फर्स्ट जो कि मेजर वन वाई ट्वेल्व है जिसमें बॉटनी के आपके फिफ्टी क्वेश्चन हैं जिसे हर टॉपिक से आपके जो नीट का पैटर्न है उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया गया है आपको एन सी आर डी बेस हंड्रेड परसेंट इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उसे एक नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हो इसी माइंड सेट के साथ में आप इसे सॉल्व करें और नो no डाउट अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो आप उसे अच्छे से इसको एनालिस करें ओके okay. हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को जो कि है वन थर्टी वन वन थर्टी वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंटेन डीएनए आरएनए एंड सेवनटी एस राइबोसोम सेवनटी एस राइबोसोम देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट किए जाते हैं नो डाउट कहा जाता है कि माइक्रोकॉन्डिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल दे कैन प्रपेयर देयर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन बाय प्रोटीन फॉर्मेशन हैंस दे हैव कंप्लीट प्रोटीन फैक्ट्री इनके पास कंप्लीट प्रोटीन फैक्ट्री है एक प्रोटीन फैक्ट्री के अंदर सेल्फ डी होना चाहिए सेल्फ आर होना चाहिए सेवेंटी एस होना चाहिए अमीनो एसिड होना चाहिए तो ये इस तरीके से ये सेमी ऑटोनोमस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेमी ऑटोनोमी एंड सिम्बायोसिस इन दोनों ही टर्म को रिप्रेजेंट uh, करेगा uh, जिसके अंदर भी डीएनए आरएनए और ये सब uh, uh, जो प्रोटीन फैक्ट्री के कंपोनेंट्स हैं वो प्रजेंस होंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें ये सारी चीज़ों की प्रजेंस हो सकती है जैसे आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर डीएनए भी है आरएनए भी है uh, 70S एस राइबोसोम भी है इसे आप कई सेंस में डिस्कस uh, कर सकते हैं एक्चुअली ओरिजिन uh, जो होता है माइटोकोन्डिया का वो बैक्टीरिया से कंसीडर किया गया है बैक्टीरिया इज ए प्रोक्रेटिक ऑर्गेनिज्म दे हैव डी एन आर एन एंड 70S एस राइबोसोम प्रेजेंस ऑफ 70S एस राइबोसोम इज ए यूनिक करेक्टर ऑफ प्रोकेरियर तो इस सेंस में भी हम बातें डिस्कस कर सकते हैं तो ये वो एक पॉइंट है जहाँ के सराउंडिंग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में आपके लिए आते हैं तो क्वेश्चन हमारा सीधे जा रहा ER है ई ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पर आपको डी नहीं मिलता है यहाँ सेवेंटी एस राइबोसाओ भी प्रेजेंस नहीं होंगे क्योंकि ये यह जो यहाँ एक चीज़ और समझी जा सकती है कि जितने भी प्रोकेरियॉट हैं या माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों ना हो इनके जो राइबोसोम होते हैं उनका जो अटैचमेंट होता है वो मेम्ब्रेन के पास होता है कहाँ होता है देयर सेवेंटी राइबोसोम अटैच्ड ऑन मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं हमेशा तो ये बात आप याद रख सकते हो चाहे वो बैक्टीरिया की सेल हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की सेल हो सभी में ये सेवेंटी एस राइबोसोम की प्रेजेंस आपके इस मेम्ब्रेन से अटैच्ड फॉर्म में ही हमें देखने को मिलती है ओबियसली गोल्जी बॉडी ER और गोल्ची बॉडी लगभग सेम कंपोनेंट है बोथ आर सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ई आर प्रोड्यूस गोल्ची बॉडी लाइसोसोम कंटेंट सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड दे हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनके अंदर इस तरीके से कोई न्यूक्लिक एसिड डी uh, एन ए आर एन ए या सेवन टी एसोसॉम प्रस नहीं है तो आपके लिए राइट आंसर uh, ये माइट्रोकोन्ड्रिया बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किया है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रजेंस इन जल अपघटनी एंजाइम्स की उपस्थिति होती है तो जल अपघटनी एंजाइम एक्चुअली प्रेजेंस होते हैं आपके लाइसोसोम के अंदर जहाँ पर कि डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है क्लियर अब इस पॉइंट से रिलेटेड तीन और क्वेश्चंस बनते हैं जैसे एनाबॉलिक एंजाइम्स फाउंड इन तो इसी पर वैसे तो इसका राइट आंसर अपना पे क्या हो गया लाइसोसोम अब इसी से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट हैं जैसे एनाबॉलिक एंजाइम्स फाउंड इन एनाबॉलिक एंजाइम कहाँ प्रेजेंस हैं दे आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट एनाबॉलिक रिएक्शन और इसी से रिलेटेड एक और आता है कैटाबॉलिक एंजाम अगर कोई आपसे पूछता है कि कैटाबॉलिक एंजाइम कहाँ हैं तो आप आंसर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया हैव कैटाबॉलिक एंजाइम्स। तो आप इन uh, इस सीक्वेंस uh, में इस क्वेश्चन uh, को uh, इस रेस्पेक्ट uh, uh, में इस क्वेश्चन को समझें हाइड्रोलाइटिक प्रेजेंस इन लाइसोसोम एनाबॉलिक प्रेजेंस इन क्लोरोप्लास्ट कैटाबॉलिक प्रेजेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया पॉसिबिलिटी तो इस बात की है जो नीट का ट्रेंड है न्यू ट्रेंड पैटर्न है उसके बेसिस पर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आपके लिए मिल सकता uh, है नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग टर्म अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट कंसिडर द फॉलोइंग टर्म यहां फर्स्ट जो टर्म है टू सी मॉडिफाई इन फोर सी सेंट्रियोल डुप्लीकेशन तारक केंद्र द्विगुणन फॉर्मेशन ऑफ हिस्टॉन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन निर्माण फैक्ट्स रिलेटेड विद ये तथ्य किससे संबंधित है ओब्वियसली आप भली भांति जानते हैं कि टू सी मॉडिफाइन अ फोर सी ये सीधे ही इसका आंसर बनता है एन सी डी बेस्ट क्वेश्चन है ये एस पेज में हमें देखने को मिलता है क्लियर ये सारे जो इवेंट्स uh, हमें देखने को मिल रहे हैं एस पेज में प्रेजेंस होते हैं यहाँ पर एक बात हम समझा देते हैं कि एनसीआरडी ने एक्चुअली टू सी टर्म क्यों यूज किया तो एक्चुअली यहाँ माइडोसिस और मियोसिस दोनों के कंसेप्ट दिए गए बोथ माइडोसिस एंड मियोसिस में स्टडीड इन डिप्लॉयड सेल क्योंकि जो सेल्स होती है उसमें आप मियोसिस की स्टडी नहीं कर सकते हो तो यहाँ सी क्या होती है एक सी वैल्यू आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए सी वैल्यू तो सी वैल्यू एक्चुअली क्या है उसके बेसिस पर यह बात कही जा रही है ये सी वैल्यू आप हमेशा याद रख रहे हैं कहा जाता है अमाउंट ऑफ डी क्या अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन इन जीनोम जीनोम में जो डीएनए का अमाउंट होता है उसे हम अस्सी वैल्यू कहते हैं तो एक्चुअली येड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसीलिए यहां पर एनसीआरडी ने टू सी मोडिफाइड इन फोर सी की बात करी है मतलब मियोसिस भी आप इसमें स्टडी करते कर सकते हो और माइडोसिस की भी स्टडी कर सकते हो तो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है कहां ऐस फेज में तो इसीलिए यहां पर आपका ये एस फेस हम राइट आंसर मानते हैं नेक्स्ट माइटोसिस डिवीजन में स्टडीड इन फॉलोइंग सेल बढ़िया क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन निम्न कोशिका में अध्ययन कर सकते हो एनसीआरडी में क्लियर कट लिखा है ध्यान से समझना क्या डिप्लॉयड एनिमल सेल ठीक है एनिमल की जो डिप्लॉयड सेल्स होती हैं उनमें हमें माइटोसिस देखने को मिलता है स्टडी कर सकते हैं क्लियर और हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल इन प्लांट बिल्कुल सही है एनसीआर ने लिख रखा है सेल इन प्लांट ठीक है इसके बाद में बात करी गई है हैप्लॉयड सेल इन एनिमल्स एनिमल्स के केस में कुछ सोशल इंसेक्ट्स इसके एक्सेप्शन है अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में कोई भी एनिमल की जो हैप्लॉयड सेल है उसमें माइडोस डिविजन हम स्टडी नहीं करते ठीक है एक्सेप्शन है सोशल इंसेक्ट्स तो बात यह होती है इसमें मोर करेक्टर आंसर जो हमारा बनेगा वो फोर्थ बनेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर हम जो डिप्लॉयड एनिमल सेल में है एनसीआरडी एनी, क्लियर कट कह लिए द्विगुणित जंतु कोशिका में हम इनकी माइडोसिस की स्टडी कर सकते हैं पौधे जरूर हैं जिसमें अगुणित और द्विगुणित दोनों में माइडोसिस डिवीजन देखने को मिलता है जैसे हम हैप्लॉयड सेल की बात करें प्लांट के केस में अब आपका एक एलगी है सपोज ये एलगी है एक यूलोथ्रिक्स मान सकते हो ठीक है अब इसमें सपोज आपके गेमिट फॉर्मेशन या जूस पोर का ही फॉर्मेशन अगर चल रहा है तो इस सेल के अंदर जो इसका प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन कंडक्ट करेगा क्यों क्योंकि ये हैप्लॉयड है इसकी प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट है ये आपके लिए यूलोथ्रिक्स कंसिडर कर सकते हो तो यूलोथ्रिक्स इज एप्लॉयड और प्लांट प्लान्टँ पर आपको माइटोसिस देखने को मिल रहा है माइटोसिस में जूस पोर या गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है ये जब बाहर आते हैं तो इस पर एंटीरियर फॉर्म में टू पोर। तो यहां पर हमें माइटोटिक हम सरल भाषा में आपको समझाना चाहें कंसेप्चुअल बेसिस पर तो ध्यान रखो ऑल सेल्स ऑफ गैमिटोफाइट मे रिप्रेजेंट माइटोटिक डिवीजन एक्सेप्ट सम गैमिट्स ठीक है गैमिडोफाइट जैसे होता है आपके ट्रिडोफाइट में मिल जाएगा आपके एलगी में मिल जाएगा ब्रायोफाइट की जो तो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमिटोफाइट होती है उसमें हमें माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है ठीक है तो प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां हमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों ही सेल में माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है ये इसका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि कुछ सोशल इंसेक्ट्स यहाँ एक्सेप्शन के तौर पर देखे गए हैं अदरवाइज नो नेक्स्ट चलते हैं स्लैक्ट मिसमेस्पियर चयन कीजिए माइडोग सेमी अभी आपसे ऑटोनोम नेता क्लियर सेमी ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है कि ये एक्चुअली इवोल्यूशन के दौरान एक बैक्टीरियल सेल से माइडोग जनरेट हुआ था इसके अंदर एक प्रोक्रिटिक सेल ही मॉडिफाई होके इस uh, माइटोकोन्डिया के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुए uh, हुए थे देन दे हैव डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए एंड सेवेंटी एस राइबोसोम। तो सेमी ऑटोनॉमस नेचर है सेमी ऑटोनॉमी दो अच्छा ये ये नीट में क्वेश्चन भी बन चुका है तो सेमी ऑटोनॉमी हमें दो सेल में देखने को मिलती है खासतौर से एक है आपका माइटोकोंडिया और दूसरा है क्लोरोप्लास ठीक है अब आते हैं लाइसोम सिंगल स्ट्रक्चर ये भी क्वेश्चन बन चुका है खासतौर से लाइसोसोम के रेस्पेक्ट में राइबोसोम कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड देखो ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंस होती है याद करो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए मेडअप ऑफ आर एन ए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स एक ट्वेल्थ की एन सी आर डी में तो ये यह यहाँ तक कहा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ रैबोसोम मेडअप ऑफ आर एन एंड एंड अबाउट एट्टी डिफरेंट प्रोटीन्स अबाउट एट्टी डिफरेंट प्रोटीन्स क्लियर तो यहाँ पर आपको जैसे ये रैबोसोम है सपोज तो इसकी दो डिफरेंट यूनिट्स हैं आप अगर एटी एस की बात करते हैं तो एट्टी एस जो राइबोसोम है उसमें आपकी जो यूनिट होती है वो फोर्टी एस है लार्ज यूनिट है वो सिक्सटी एस है, है ना तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है एक्चुअली इसके अंदर एटीन एस आर आर एन ए प्रसेंस है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा ट्वेंटी एट एस आर आर एन ए देखने को मिलते हैं फाइव पॉइंट एट एस आर आर एन एंड फाइव एस आर आर एन ए आपको देखने को मिलते हैं क्लियर तो ये एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड आरएनए आर इंक्लूड एज ए न्यूक्लिक एसिड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आप मियोसिस स्टडी कर सकते हो एक बात हमेशा के लिए याद रख लो एनी टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल लैक ऑफ सेल साइकिल सबसे पहले तो उनमें सेल साइकिल नहीं होती दूसरा दे लैक ऑफ प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज स्टेज ऐसी कोई स्टेज उनके अंदर नहीं होती है नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट uh, इंफॉर्मेशन ये है कि प्रोकैरियोट की कोई भी कोशिका हो मोनेरा का कोई भी मेंबर हो वो हमेशा एप्लॉयड होता है उसके पूरी लाइफ साइकिल में किसी भी मेंबर की लाइफ साइकिल में कभी भी डिप्लॉयड कंडीशन नहीं आती है अच्छा मोनेरा का कोई भी मेंबर अल्टरनेशन जनरेशन शो नहीं करता है इसीलिए ना तो इनमें ट्रू फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है ना ही मियोसिस देखने को मिलती है ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं ठीक है थीके? तो इसीलिए इनमें कोई भी मियोसिस प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिलती है ना ही इसमें माइडोसिस देखने को मिलेगा ना ही मियोसिस मिलेगी ठीक है हाँ ए माइडोटिक डिविजन देखने को मिल सकता है जिस पर एनसीआरडी ने कोई बात ही नहीं करी है क्लियर तो हमारे लिए मिसमैज पेयर की बात करी जा रही है असुमेलित की बात की जा रही है इट मीनस प्रोक्रियाट में कभी भी मियोसिस डिविजन आपको नहीं मिलता बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है और इस पर पिछले दो साल से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसी सेगमेंट पर हमने एक और क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किया है मोर कॉम्प्लेक्स लार्ज फेज लार्ज फेज भी है अब ये किसकी लार्ज फेज है इस पर ध्यान देना है आपको हालांकि लार्ज फेज आपके कैरियोकाइनेसिस की देखी जाए तो वो प्रोफेज आ, होती है और अगर आप इंटर फेज की देखते हो तो वो जीवन होती है विथ जी 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 नॉट फेज जी नॉट फेज जहां पर कि सेल डिवीजन का डिसीजन uh, लिया जाता है वेदर सेल डिवाइड और नॉट तो ये सब डिसाइड किया जाता है uh, आपके जी नॉट फेज पर जो कि जी जी वन का पार्ट होता है क्लियर लार्जेस्ट भी है अच्छा तो मेटाफेज से जुड़ी है नो no, आपके प्रोफेज से नो देन टोफेज नो यस जी वन से जुड़ी है जी वन में ही आपकी जी नॉट फेज आती है और वहां पर सेल के डिवीजन को डिटरमाइन किया जाता है कहा जाता है कि जो ट्रिगर प्रोटीन होती है साइक्लिन प्रोटीन होती है वो इस पॉइंट से डिवीजन की प्रोसेस को फर्दर प्रमोट करती है टूवर्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन ये बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं पेरी स्पर्म इज फाउंड इन सीड ऑफ प्लांट एनसीआरडी ने बिल्कुल क्लियर कट लिख रखा है पेरी स्पर्म ये हिंदी में कहलाता है परिभ्रूडपोस यानी कि जो एंडोस्पाम है उसके ऊपर एक और लेयर के फॉर्म में जो चीज़ प्रेजेंस होती है एक्चुअली न्यूसिलस मॉडिफाई इन पेरिसपम वेन द ओब्यूल डेवलप इन सीड्स जब ओब्यूल सीड्स में डेवलप होते हैं तो जो रिमेनिंग न्यूसिलस uh, बनता है बचता है वो एक्चुअली इसमें पेरिसपम या परिभ्रूण पोष में कन्वर्ट हो जाता है आपके पेपर काली मिर्च के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है एन में लिखा है ट्वेल्थ की एन में बार्ले में एंडोस्पम होते हैं पेरिसम नहीं है ये आपके जो ग्राउंड नट है फावेशी के मेंबर है मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक है तो पहले एंडोस्पम होना चाहिए तभी तो पोष बनेगा उसके ऊपर जो लेयर है वो पाइपर में ही पाई जाती है कहा तो यहां तक जाता है कि काली मिर्च में जो एडिबल पार्ट है वो एक्चुअली पेरिसपम ही है ठीक है ये नेक्स्ट एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कम्पोज बाई फॉलोइंग देखो ये एक मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि स्पोरोपोलिन इज हाईली रेजिस्टेंट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ नेचर हैंस ग्रेन आर कन्वर्ट इन फॉसिल अप टू मैनी ईयर्स एक्चुअली क्या होता है कि जो स्पोरोपोलिन है वो प्रकृति में सबसे ज़्यादा आजीवित रजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधक संरचना है इट इज नॉट अफेक्टेड बाई एनी टाइप ऑफ एंजाइम एनी टाइप ऑफ मीडियम इवन फ्रॉम रेडिएशन इम्पैक्ट तो किसी से भी इस पर अफेक्ट नहीं पड़ता है और इसी यही वो वजह है कि पोलन ग्रेन लंबे समय तक uh, फॉसिल के फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं क्लियर तो स्पोरोपोलिन आप हमेशा इसके याद रखें और जो इसकी जो पोलन ग्रेन है आप हम लोग इसको देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका जम्पोर होते हैं क्लियर इस टाइप से हमें जम पोर देखने को मिलते हैं यहाँ पर आपकी ये एग्जाइन है और इनर साइड पर आपकी इंटाइन है ओबियसली यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल है और आपका ये आपका जनरेटिव सेल है आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ठीक है दिस इज़ वॉट दिस इज़ मेड अप ऑफ इस्पोरोपोलिन और जो इंटाइन होती है वो किससे बनी है पैक्टो सेल्युलोज पैक्टो सेल्युलोज से बनी है ऑब्वियसली हमें ये बातें याद रखनी होंगी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है अल्फा सेल्युलोज बैंड्स पाए जाते हैं तो वो हो नहीं सकता लिग्निन है नहीं पैक्टिन है नहीं पैक्टिन uh, है भी तो इंटो इंटाइन uh, में है एग्जाइन में नहीं है क्लियर नेक्स्ट पोलिनेशन अकर्स बाई सूडो कॉपुलेशन देखो इसको थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये सीडो uh, कॉपुलेशन का जो कंसेप्ट है मेल हनी बी एंड ऑर्किड प्लांट में एक्चुअली uh, ये म्यूचुअलिज्म का भी एग्जाम्पल है और ये इंसेक्ट पॉलिनेशन में भी आपको डिस्कस uh, किया गया तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आपसे डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि ये पूछा जा सकता है uh, तो आपका मेडिटेरेनियन ऑफ राइस जो ऑर्किड प्लांट होते हैं यहाँ पर हमें एक म्यूचुअल रिलेशनशिप मिलता है uh, जहाँ एक खास तरीके के जो मेल हनी भी है वो एक आ, प्लांट के साथ में यानी कि ऑर्किड के पेटल्स के साथ में शिडो कॉपोलिशन करते हैं और अल्टीमेटली पॉलिनेशन को कंप्लीट कराते हैं या अंजाम देते हैं ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं फीमेल गैमिटोफाइट ऑफ एनजियोस्पाम रिप्रेजेंट बाई फॉलोइंग अच्छा क्वेश्चन है नो no डाउट ये सैक आपके लिए राइट right आंसर बनेगा ठीक है सैक इंक्लूड एज ए फीमेल गैमिटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट ये सेबं होता है और इसमें ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे है आप याद करिए ये है ओब्यूल ठीक है जी यहाँ पर आप देखते हो न्यूशिलस न्यूशिलस की जो कोई भी एक सेल है न्यूशिलस की कोई भी सेल डिवाइड हो जाती है मियोटिकली दिस इज एम एम सी मदर सेल और ये डिवाइड आपके लिए हो जाएगी मियोटिकली डिवाइड होगी आउट ऑफ द थ्री आर डी जनरेट

आप आ, चीज़ों को समझ सकते हैं एनजियपम में सेवन सेल्ड होता है लेकिन आप जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो वहां पर ये बात कही जाती है कि वन फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड बाई माइटोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोस्पर्म कहाँ जिमनोसपम में और इसीलिए उसका एंडोस्पम हमेशा हैप्लॉयड होता है यहाँ पर भी हैप्लॉयड कंडीशन है तो फीमेल गैमेटोफाइट ये हमारे एन जी में कंसिडर होता है भ्रूड़ कोश हमें से कहते हैं ठीक है भ्रूड़ पोश आप देखोगे तो ये थ्री एन है ये फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है बीजांड की ज़्यादातर सेल टू एन होती हैं भ्रूण आपका टू एन होता है ये आपका मोस्टली एन सेल्स होती हैं हाँ ये बात अलग है कि पोलर न्यूक्लाई जो होते हैं वो आपके फर्टिलाइजेशन से पहले टू एन में कन्वर्ट हो सकते हैं क्लियर नेक्स्ट चलते हैं ये बढ़िया क्वेश्चन है चारगॉफ के रूल से क्वेश्चन दिया गया है हमारी जो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी है उसमें जहाँ क्वेश्चंस स्टडी होते हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन रखा गया है तो आप हमेशा इस पर ध्यान रखना इस ये ये वो एरिया है जहाँ पर पॉसिबल क्वेश्चन हमें नज़र आते हैं ये चारगॉफ का रूल है चारगॉफ का रूल क्या कहता है बेटा जी जरा इसको ध्यान से दिमाग में रखना चारगॉफ का रूल आपसे कहता है कि एडनिन प्लस गुआनिन इक्वल विथ साइडोसिन प्लस थाइमिन ठीक है थाइमिन और साइडोसिन बराबर होते हैं गुआनिन और आपके साइडोसिन uh, इक्वल होते हैं तो यहाँ कहा गया है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेन एडेनिन 20% एडेनिन का परसेंटेज क्या है ये है 20% इसका मतलब थाइमिन भी आपका कितना हो गया 20% ठीक है अब आपको साइडोसिन का परसेंटेज डिटेक्ट करना है आप एक बात याद रखें कि ये 100 परसेंट होते हैं तो 50 परसेंट आपका क्या होगा प्यूरिन और 50 परसेंट आपका क्या होगा पैरामिडिन ठीक है तो आप 50 परसेंट में से इसको माइनस कर दो थाइमिन को तो आपका ये कितना आ जाएगा ओब्वियसली थर्टी परसेंट आ जाएगा ये थर्टी परसेंट है तो आपका ये भी थर्टी परसेंट ही होगा <coughs> तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को एनालसिस कर सकते हो स्टडी कर सकते हो साइडोसिन का परसेंटेज थर्टी परसेंट है, है आपके लिए क्लियर तो ये अच्छा क्वेश्चन है आ, ये वो एरिया है एक्चुअली जहाँ से आ, एक पॉसिबल क्वेश्चन आपके लिए बनाया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आ, ये ये भी अच्छा क्वेश्चन है मिजेल्सन स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में ये बात करी गई है हैवी आइसोटोप याद रखना कि एक्चुअली यहाँ पर मिजेल्सन स्टॉल के अंदर एक बड़ी अच्छी लाइन कही गई है कि यहाँ पर डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर सेपरेट किया गया था इसीलिए उन्होंने अच्छा डेंसिटी ग्रेडियंट भी क्या था कि सीचियम क्लोराइड के मीडियम में अलग अलग भार के जो डीएनए होते हैं वो अलग अलग सरफेस पर सेडिमेंट हो जाते हैं ठीक है और इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ एन ने लिख रखा है इंग्लिश में रिमेंबर एन फोर्टीन इज नॉट ए रेडियो एक्टिव इट इज़ ए आइसोटॉप ये आइसोटॉप है याद रहे एन फिफ्टीन आ रेडियोएक्टिव नहीं है यह है एक समस्थानिक है ऐसा इंसार्डी ने कह रखा है ऐसा क्यों किया इन्होंने डीएनए के वजन को वेरिएबिलिटी शो की उसके बेसिस पर सेमी कंजर्वेटिव आ, प्रोसेस को कंडक्ट कराया और एक्सप्लेन किया तो इसके लिए इन्होंने मीडियम में किसका यूज किया था अमोनियम क्लोराइड और इसके अंदर एन फिफ्टीन आइसोटॉप का यूज किया था बाकियों का यूज नहीं किया था तो हमारे लिए राइट right आंसर भी यही यानी सेकंड आपके लिए बन जाता है मिजल सेलेट्रॉल के परीक्षण के दौरान एन फिफ्टीन भारी समस्थानिक को माध्यम में निम्न रूप में उपयोग किया गया था तो वो आपके लिए अमोनियम क्लोराइड है क्लियर नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है फिर मैं कहूंगा एनसीआरडी में लिखा भी है हंड्रेड परसेंट कोडोन वाले हिस्से में जाकर देखना विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन रिप्रेजेंट ड्यूअल नेचर दोहरा है जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस ये दोहरा कार्य करता है दोहरी प्रकृति दर्शाता है तो वो है आपके लिए ए यू जी ए यू जी एक्चुअली मिथ्योनिन को आइडेंटिफाई भी करता है उसके लिए कोडॉन के रूप में उपयोग होता है प्लस ये प्रोटीन फॉर्मेशन यानी कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम भी करता है तो आपके लिए करेक्ट आंसर बनेगा ए यू जी आप इन तीनों को देखें तो ये बहुत कोई टेंशन भरा आपके लिए क्वेश्चन नहीं है तो ये जब जो आप देख रहे हैं यू ए आर स्टॉप ऑन और टर्मिनेटरी कोड ये समापन कोड है और ये सिर्फ एक ही काम करते हैं वो है टर्मिलाइजेशन ओबियसली इनके जरिए कोई भी एसिड को डिटेक्ट नहीं किया जाता क्यों क्योंकि इनके अकॉर्डिंग एंटीकोडॉन का फॉर्मेशन नहीं होता है क्लियर हम नेक्स्ट चलते हैं स्लैक्ट मिस पेयर बिल्कुल अच्छा है आप जरा इस पर फोकस करना टी आर एन एल फॉर्म प्रारूप एक किम साइंटिस्ट हुआ है अभी नई एन ने क्या किया है पहले क्लोवर लीफ मॉडल था यानी कि तिपतिया प्रारूप आपका था वहाँ पर लेकिन अभी रिसेंटली एनसीआरडी ने क्या किया है एल फॉर्म जो स्ट्रक्चर है उसे एक्सप्लेन किया है डायग्राम के फॉर्म में भी वो लेकर आए हैं इसे एक किम नामक साइंटिस्ट हुआ है उसने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना जो क्लोवर लीफ मॉडल है वो टू है और जो एल फॉर्म प्रारूप है या एल फॉर्म मॉडल है वो थ्री मॉडल है ठीक है तो आपका टी आर एन एल फॉर्म मॉडल चलो ठीक है एम आर एन ए क्लोबल लीप एक्चुअली एम ये जो क्लोवर लीव मॉडल है तिपतिया प्रात प्रारूप जो है ये भी टीआरएनए के लिए एक होली साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था डी एन ए ऑफ इकोलाइ ये सर्कुलर होगा बिल्कुल सही बात है किसी भी बैक्टीरिया में यानी कि प्रोक्रियाड के अंदर जो जो जीनोम होता है वो आपके लिए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में होता है इवन आप अगर प्लाज्मेट की बात करें तो वो भी इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलता है आर आर एन में होते हैं अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर एट्टी एस ये राइबोसोम है तो यहाँ पर आपको ट्वेंटी एट एस आर आर एन ए देखने को मिलते हैं क्लियर तो ये ट्वेंटी एट एस आर आर एन ए देखने को मिलता है यहाँ पर आपको एट्टीन मिलते हैं ठीक है तो एस आर आर एन a राइबोसोम में एक स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के फॉर्म में प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डी एन प्रेजेंस इन ए न्यूक्लियोसोम कंटेन फॉलोइंग नंबर ऑफ न्यूक्लोटाइड बेस पेयर्स याद रखना डी पैकेजिंग जब आप पढ़ते हो वहां पर ये न्यूक्लियोसोम मॉडल में बाकायदा एक्सप्लेन किया गया है कि एक जो न्यूक्लियोसोम होता है जो कि ऑक्टाम के फॉर्म में प्रेजेंस होता है उस पर जो आपका डी एन रैप्ड करता है एच से लेकर यहाँ से जो इस तरीके से बैक साइड देन फ्रंट देन आपका एच वन तो इस इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक न्यूक्लियोसोम और इसके अंदर जो प्रेजेंस होते हैं वो है 200 हंड्रेड एन बी पी एस न्यूक्टाइड बेस पेयर्स प्रजेंस होते हैं किसके अंदर इस डी एन ए के अंदर ठीक है इस पर जो डी एन ए यूज हुआ है क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है दिस इज़ न्यूक्लियोसोम क्या है ये ये न्यूक्लियोसोम है और इसके ऊपर जो डीएनए यूज हुआ है क्योंकि ये आपका डीएस डीएनए मॉलिक्यूल है और इसके अंदर ये बात कही जाती है कि इसमें डीएस डीएनए ए ये डी एन है और इसमें आपका एक्चुअली 200 हंड्रेड न्यूक्ट्राइड बेस पेयर्स पाए जाते हैं हाँ ये बात सही है कि इसे हम कहते हैं कोर पार्टिकल ये जो अपन अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूँ इस हिस्से को हम कहते हैं कोर पार्टिकल क्या कहते हैं कोर पार्टिकल क्लियर इसमें अगर आपके नंबर की बात की जाएगी तो 146 फोर्टी एन बी पी एस होते हैं इस इंफॉर्मेशन को भी आप याद रख सकते हो लेकिन ये चुके ने इंफॉर्मेशन दे रखे टू हंड्रेड न्यूक्लोटाइड बेस पर्स आर प्रजेंस एंड डी एन ए मॉलिक्यूल रैप्ड क्या अपर साइड से कवर करता है ए कोर पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस टॉम तो इसका राइट right आंसर हमारा सेकंड बन रहा है क्लियर नेक्स्ट चलते हैं सदन ब्लॉटिंग बिल्कुल ठीक है अच्छा है ये आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले हिस्से में बिल्कुल लिखा गया है वहाँ पर आप इसे जाके देख सकते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स ब्लॉटिंग टेक्निक्स में का जो डिस्कवर किए है वो है ई uh, एम जहाँ डी एन ए को नाइट्रोसेल्यूल फिल्टर पेपर या आपके नायलॉन फिल्टर पेपर पर, पर ट्रांसफ़र किया जाता है और इससे क्या होता है कि हम इस डी एन ए फिंगरप्रिंट को लंबे समय तक प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रख सकते हैं तो वो डी एन ए के लिए बताई जाती है और इसके बाद में सदन के बाद में नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है वो हमारी एन सी आई टी में नहीं है तो वो आपके आर एन ए के लिए होती है एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है वो एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए रहती है तो हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए पॉसिबल क्वेश्चन है अपने लिए नेक्स्ट चलते हैं फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म में कंटेन स्प्लिट जीन बढ़िया क्वेश्चन हम जब ट्रांसक्रिप्शन uh, पढ़ते हैं तो वहां पर स्प्लिट जीन का कंसेप्ट है वहां क्लियर कट कहा गया है कि यू ऑर्गेनिज्म है स्प्लिट जीन ईच स्प्लिट जीन कंटेन एक्न एंड इंटर रीजन इन अल्टरनेट फॉर्म तो आपकी जो एक जो स्प्लिट चीन है क्या है स्प्लिट चीन ये जो स्प्लिट चीन है इसमें दो पार्ट होते हैं क्या वन इज एक्ज प्लस इंटरन इंटरन क्लियर इंट्रॉन आर एक्जॉन आर एक्टिव ये एक्टिव पार्ट हैं एंड दिस इज इनएक्टिव कैसा है ये दिस इज इनएक्टिव पार्ट ऑफ आ जीन इन दोनों को मिलाकर कंबाइंडली हम इसे स्प्लिट जीन के नाम से जानते हैं ऑल दीज आर प्रेजेंस इन यूकैरियोट्स कहाँ यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंस होंगे दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स नॉस्टॉक इज प्रोकैरियोट दैन स्प्लिट आर नॉट प्रेजेंस। क्लोस्ट्रीडियम इज अ प्रोकैरियोट माइकोप्लाज्मा इज अ प्रोकैरियोट ह्यूमन इज अ यूकैरियोट तो ह्यूमन के अंदर हमें ये स्प्लिट जीन देखने को मिलेगा और इसीलिए याद करो कि यूकेरियॉर्ट में जो आर फर्स्ट टाइम बनता है वो एच एन आर एन ए है उसको प्रोसेसिंग के जरिए फंक्शनल एम आर एन ए का फॉर्मेशन होता है वजह स्प्लाइसिंग uh, के जरिए इंट्रॉन को हटाना एक्जॉन को आपस में कनेक्ट करना अच्छा क्वेश्चन है पॉसिबल क्वेश्चन है एंजाइम रिक्वायर ड्यूरिंग एक्टिवेशन एंड एसोसिएशन ऑफ अमीनो एसिड विथ टी आर एन ए तो यहाँ एक्चुअली ये बात आप अच्छे से याद रखना ये अमीनो एसाइल सिंथेटिज एंजाइम इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है एक्चुअली क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन का एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड क्या एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हमें इसमें देखने को मिलता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड क्लियर तो ये एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हमें देखने को मिलेगा वो क्या है जरा समझते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड इसमें आपका दो स्टेप होते हैं याद हो आपको तो दो स्टेप होते हैं फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या होता है अमीनो एसिड होता है और वो इनएक्टिव होता है अब इसमें आता है एंजाइम क्या आता है एंजाइम कौन सा एंजाइम है अमीनो एसाइल अमीनो एसाइल टी आर एन ए ठीक है ये लिखा हुआ है सिंथेटिज प्लस अब इसमें क्या होता है एक ए टी पी मॉलिक्यूल यूज होता है कुछ याद हो आपको तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ये अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है प्लस इसमें आपको क्या मिलेगा एक ए डी पी मिलेगा ए एम पी सॉरी क्योंकि दोनों फॉस्पेट मॉलिक्यूल यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं प्लस टू पी आई इनऑर्गेनिक फॉस्पेट तो ये ये अब कॉम्प्लेक्स बन जाता है ये कॉम्प्लेक्स बाद में फिर टी आर एन ए के साथ में असेंबल होता है और फिर ये एंजाइम वहाँ से निकल जाता है तो अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजायम इसमें पार्टिसिपेट करता है टी आर एन ए को अमीनो एसिड से बाइंड अप करने के लिए क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं सिलेक्ट पेयर ऑफ प्लान कंटेन हिट्रो स्पोरी इनमें हिट्रोस्पोरी होना चाहिए हिट्रोस्पोरी होना चाहिए माइक्रो एंड स्पोर्स होना चाहिए एंड सीड फॉर्मेशन याद रहे सीड फॉर्मेशन यहाँ बीज का निर्माण होगा सीड हैबिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ठीक है इसीलिए आपका यहाँ पर सीड हैबिट देखने को मिल सकती है लेकिन सीड बनेंगे नहीं क्यों नहीं बनेंगे कि ऑल टाइप ऑफ ट्रेडोफाइड लैक ऑफ ओव्यूल फॉर्मेशन और जब ओव्यूल फॉर्मेशन नहीं होता है फॉर्मेशन एबसेंट है तो ओब्वियसली इनके अंदर कभी भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा हाँ तो इसका आंसर क्या बनेगा साइकस एंड पाइनस इनमें सीड बनते हैं दे आर इंक्लूड एज ए स्पर्मेटोफाइट्स स्पर्मा मीन सीड फाइट्स मतलब प्लांट यहाँ पर आप देखेंगे सीड नहीं बनेंगे यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसके लिए मोर करेक्ट आंसर आपका सेकेंड बनेगा ध्यान दें इस चीज पर क्लियर नेक्स्ट फॉलोइंग प्लांट कंटेन मेल कॉर्न एनसीआर में लिखा हुआ है ध्यान देना मेल कॉन एंड मेगा स्पोरोफिल्स इन डिफरेंट प्लांट्स याद रहे साइकस एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर मेल कॉन अलग प्लांट पर और फीमेल अलग पर होता है याद रहे फीमेल कॉन यहाँ रिड्यूस फॉर्म में होता है साइकस के अंदर इसीलिए एन ने जिम्नोसपम वाले हिस्से में मेगा स्पोरोफिल टर्म यूज किया है इन प्लेस ऑफ फीमेल कॉर्न ठीक है तो वो मेगा स्पोरोफिल याद रखना इसको मेगास्पोरोफिल को चलो थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझा देता हूँ ये मेगास्पोरोफिल कुछ इस तरीके से होती है है ना इन पर यहाँ आपके अरेन्ज होते हैं ओबियोल्स क्या ये एक मेगास्पोरोफिल है दे आर ओबियन इनके ओब्यूल बहुत बड़े होते हैं लार्जेस्ट ओब्यूल होते हैं और लार्जेस्ट सीड भी पाए जाते हैं और इसीलिए साइकस में ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में ना होकर मेगास्पोरोफिल के फॉर्म में होता है ये है इनका अडोप्टेशन ठीक है अच्छा क्वेश्चन है पॉसिबल क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएं तो वहां लिखा है सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट गलत कथन का चयन कीजिए ठीक है मॉस प्लांट है मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड बिल्कुल सही है इनके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं एक तो ब्रांचेड होते हैं क्लियर और इनमें सेप्टम भी पाया जाता है क्या पाया जाता है इनमें सेप्टम भी प्रेजेंस होता है ऐसे और ऑब्लिक सेप्टम होते हैं इंटरेस्टिंग चीज ये तो ये है। लिपी और प्रोटोनिमा ने लिख, लिख रखी है, है और उससे फिर प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है आप जरा देख सकते हैं इसको तो ये आपके लिए क्या है एक प्रोटोनिमा ठीक है अब यहाँ क्या होता है एक लेटरल बर्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये दिस इज कॉल्ड लेटरल बर्ड क्लियर और यहीं पर आपका क्या बनेगा यहीं पर आपका लीफी गैमिडोफाइट इसी लेटरल बर्ड से जनरेट होता है ठीक है तो ये लीफी गैमिडोफाइट डेवलप अच्छा इसे क्या कहोगे दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटोनिमा हम इसे सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा का मतलब होता है व्हेन फिलामेंटस गैमिडोफाइट डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट हैप्लॉइड स्पोर्स देन कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटोनिमा is that clear? Yeah. Which are major pigment in rhodophyce? Rhodophyce में सबसे ज्यादा amount अमाउंट में पाए जाने वाले pigment कौन से हैं तो वो है आपका chlorophyll B, green algae में होगा C, brown में होगा आपका आंसर बनेगा ए एंड डी फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एलगी में होंगे एनसीआरडी बेस क्वेश्चन है नो no डाउट आपको इसे हंड्रेड परसेंट सॉल्व करना चाहिए आगे चलते हैं सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर या क्लोरो क्लोरोक्लोरेला ग्रीन एलगी है इसे हम एससीपी के फॉर्म में यूज करते हैं किसके फॉर्म में एससीपी एससीपी दिस इज सिंगाकार प्रोटीन तो रिच इन प्रोडीन बिल्कुल सही है मिसमैच्ड पूछा है आपको असुमेलित को पूछा है इस फैग्नम पीट मॉस बिल्कुल सही इस algae, है एक्टोकार्पास फिलामेंटस एल्गी के लाइन है बॉल बॉक्स कोलोनियल होता है कैसा कॉलोनियल एलगी ठीक है जी फिलामेंटस ब्रांच नहीं है इसीलिए यही गलत है और यही हमारे लिए राइट आंसर फोर्थ बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान दो ब्रायोफाइट में जो हाँ मॉस लिखे गए हैं या ब्रायोफाइट का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर ये लाइन है उसी से क्वेश्चन बनाया गया सम uh, uh, है ंडर गो रिडक्शन डिजन मियोसिस टू प्रोड्यूस बी क्या है diploid? याद रहे मियोसिस होगी तो haploid कंडीशन ही जनरेट होगी क्लियर तो सबसे पहले तो haploid की बात हो जाए तो आंसर का यहां और यहां हो सकता है फर्स्ट एंड फोर्थ में हो सकता है अब मॉस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन होता है मियोसिस में देखोगे आप टू सेल में ठीक है तो इसका मतलब स्पोरोफाइट इस हो गया ठीक है इतना तो हमें एनालिसिस करना होगा दिमाग लगाना होगा तो यहाँ स्पोरोफाइट है और स्पोर्स ज्यादातर होते हैं अच्छा गैमिडोफाइट होगा तो उसमें म्योसिस होगी ही नहीं इसलिए आपका ये आंसर नहीं बन सकता आपके लिए फर्स्ट करेक्ट आंसर बन जाएगा मोस में बीजाणु उद्भिद की कुछ कोशिकाएं अवनत अर्धसूत्री विभाजन करती हैं जिस है जिससे अगुणित बीजाणु को उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं क्लियर नेक्स्ट

बियरिंग लीवस एंड फ्लार ये कभी नहीं कहा जाता है कि नोड एंड इंटर नोड्स आर टोटली एबसेंट इन रूट दिस इज़ यूनिक करेक्टर ऑफ रूट अब जब वहाँ पर यह सब कुछ है ही नहीं तो आपके ना तो फ्लार बन सकते हैं ना लीव्स बन सकते हैं स्टोर फूड मटीरियल तो आप देख सकते हो देख सकते हो कैरट है आपका रेडिस है टर्निप है ऑल दे हैव रिजर्व फूड स्वीट पोटेटो एडवेंटिटे रूट है उसमें अच्छा खासा फूड प्रेजेंस होता है क्लियर नेक्स्ट एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर फ्लार प्रसेंसिन कहाँ होंगे क्या नाम है एसिमेट्रिक फ्लावर है कैसा है एसिमेट्रिक फ्लावर है तो इसमें हो नहीं सकते के में आपके जायगोमॉर्फिक है पी में जायगोमॉर्फिक है सोलेनेसी का मेंबर है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री इसमें पाई जाएगी नेक्स्ट अल्टर अल्टरनेट फिल्लोटैक्सी बढ़िया क्वेश्चन है ट का फिल्लोटैक्सी फाउंड इन प्लांट कहाँ पर चाइना रोज में एक्टिनोम फिर आप देखें अल्टरनेट अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक नोड पर एक ही लीव का फॉर्मेशन हो दे इट कॉल्ड अल्टरनेट लीव अरेंजमेंट या फिल्लोटैक्सी तो यहाँ पर क्या होगा अपोजिट होगी तो आप ये कर नहीं सकते हो एस्टोनिया में वो आपके होगी नहीं सेकेंड एंड थर्ड आपका हो नहीं सकता तो आपका राइट आंसर चाइना रोज एंड मस्टर्ड ही मिलेगा अल्टरनेट फॉर्म एनसीआरडी में लिखा है टेंशन नहीं लेना है हाइपोगाइनस फ्लॉर फाउंड इन जिनमें ओवरी सुपीरियर होगी हाइपो का हाइपोकमींस बिलो आप देख सकते हैं हाइपोगाइनस का क्या मतलब होता है हाइपोगाइनस का मतलब होता है ये एक इसका थैलामस है क्लियर ये इसकी ओवरी है ओवरी क्लियर ऐसे अब इसके जो डिफरेंट uh, इस्टेमेंस आपको देखने को मिल रहे हैं क्लियर लाइक दिस और ये आपका क्या है ये आपके पेटल्स हो गए क्लियर और ये आपका क्या है दिस इज कैलिक्स वॉट दिस इज कैलिक्स तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि यहाँ हाइपोकोमीस बिलो गाइनस मतलब गाइनोशियम तो डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स आर अराइज फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ गायनोशियम गाइनोशियम की सभी के लोअर पार्ट से ही थैलामस पर डिफरेंट अदर पार्ट्स जनरेट हुए हैं इसलिए हाइपोगाइनस फ्लावर है यहाँ पर हम देखें तो प्लम पीच रोज दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ पेरी गाइनस फ्लावर एन सी आर डी में लिखे गए एक रोज़ ऐसा होगा वो सॉरी ये चाइना रोज़ एक ऐसा है यानी कि ये आपके uh, मालवेसी फैमिली का मेंबर है जिसमें आपके लेडी फिंगर भी आता है कॉटन भी आता है उसमें आ, सुपीरियर ओबरी होगी इसमें हाइपोगाइनस फ्लावर आपको देखने को मिल जाएगा क्लियर नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है मैच द कॉलम कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है कोर इस पर दलपुंज दलपुंज के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वॉलवेड एस्टिवेशन ठीक है व्यावर्तित यानी कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन ट्विस्टेड का मतलब होता है कि आपके ये अपर साइड दैंड लोअर साइड ऐसे ठीक है ये आ, कुछ इस तरीके से तो ये बॉलबेट फॉर्म है एक एंड इसका इनर साइड और दूसरा अपर साइड तो ये कॉटन में खास तौर से पाया जाता है और केशिया में भी आपको आ, मिल जाता है कौन स्टेट तो ट्विस्टेड में आपके ये हो गए बॉलबेट में आपका ये हो गया पेटल्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं तो आपका ए में फर्स्ट जा रहा है और बी में सेकेंड एंड थर्ड तो फर्स्ट आपके लिए करेक्ट आंसर बन जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन एक्साइल एबसेंट इन फॉलोइंग एबसेंट होना चाहिए कहाँ नहीं है ठीक है जी जैसे टमेटो की बात की जाए तो यहां पर आपके चूंकि बाइक आर्पलरी ओबरी है इस तरीके से ये एक्साइल प्लासेंटेशन को शो करता है यहाँ प्लाटा पर सेंट्रल एक्सिस पर उसके ओव्यूल अरेंज होते हैं तो ये हमें टमेटो में भी मिल जाएगा लेमन में भी मिल जाएगा चाइना रोज में भी मिल जाएगा चाइना रोज में, में आप लेडी फिंगर को हमेशा दिमाग में रखना आप समझते हैं कि जो भिंडी है इसे तो हमने अच्छे से देख रखा है आप भली बातें जानते हैं कि यहाँ पर ये एक्चुअली पांच चैम्बर हैं भिंडी को तोड़ के देखना यहाँ एक सेंट्रल एक्सिस बनता है और इसी सेंट्रल एक्सेस पर ऐसे आपने सीट को देखा होगा तो हम इसे एक्साइल प्लासेंटेशन मानते हैं लेकिन जब हम पी की ओर जाते हैं पी में आपको क्या मिलेगा पी में आपको मार्जिनल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है बेटा जी यहाँ पर वेंटर सटर जो होता है वहाँ पर इसमें ओव्यूल टू रोज में अरेंज्ड होते हैं तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका एक्साइल प्लासेंटेशन नहीं होगा वो होगी आपकी मटर यहां पर आपका मार्जिनल फिर है कंसिडर कंसीडर फॉलोइंग टॉर्म पेंटामेरस फ्लावर देखो मैं फिर कह रहा हूं आप हमेशा इस चीज को याद रखें एनसीआरडी ने कई जगह पर यह बात कही है पेंटामेरस एंड टेट्रामेरस फ्लावर आर यूनिक करेक्टर ऑफ डाइकॉट ठीक है आप लिलिय फैमिली का फॉर्मूला ही देख लो आप सोलिनि का फार्मूला देख लो पेंटामेरस हैं पांच कैलेक्स पांच कोरोला पांच एंड स्टेमस ठीक है आप फावेसी को देखो फाइव फाइव की सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी इवन आप उसके स्टेमन जो होते हैं नाइन प्लस वन होता है मतलब दस हैं सिमेट्री किसकी है पाँच की है ना लेली को देखो तीन तीन की सिमेट्री है ट्राई मेरस फ्लार ठीक है तो आपको तो समझना होगा पेंटामेरस फ्लार कहाँ पाए जाएंगे अपने दो एनसीआर से बेस्ड क्वेश्चनों में आप देखोगे तो में हो सकते हैं लेकिन फॉर्म में, है, में होंगे एपीपेड फॉर्म नहीं पाया जाता तो इसका करेक्ट आंसर है आपके लिए सोलेनेसी क्लियर अब चलते फॉलोइंग टिश्यू इज ए पार्ट ऑफ बोथ देखो इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लो क्लियर हम देखते हैं कि जो टिश्यू सिस्टम है उसमें परमानेंट टिश्यू होता है और आपका मैरिज होता है परमानेंट को कॉम्प्लेक्स और सिंपल में डिफ्रेंशिएट किया गया ठीक है अब इसमें कौन सा ऐसा टिश्यू है निम्न में कौन सा उतक सरल व संयुक्त दोनों स्थाई उतक का भाग होता है ठीक है तो आपने देखा होगा कि ओब्वियसली अपना जो सिंपल होता है उसमें पैरिन कायमा होता है कॉलिन कायमा होता है कायमा होता है वन टू थ्री समझ में आ रहा है लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में आप जाइलम के कंपोनेंट गिनो जाइलम में आपको क्या मिलता है ट्राकिड वेसल्स जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरिन कैमा तो यहाँ पर भी पेरिन कैमा है पेरिन कैमा यहाँ दो तरीके का है रे पेरिन कैमा एंड आपका सिंपल जाइलम पेरिन कैमा तो पेरिन कैमा आपका सिंपल का भी कॉन्स्ट पार्ट है और आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स uh, का भी है यहाँ अगर स्कलरन कैमा सिर्फ अकेला कहा जाता तो स्कलरन कैमा सिंपल में भी आता है और आपके कॉम्प्लेक्स में भी आता है क्योंकि आपके ट्रैकिड वेसल क्या है आपके स्कलन कैमा फाइबर क्या है ये सब आ, आपके स्कलन कैमा ही तो हैं लेकिन याद रहे कॉलिन कैमा कभी भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट नहीं है कभी भी आप कॉलिन कैमा को कॉम्प्लेक्स टिश्यू में स्टडी नहीं करोगे ठीक है तो इसीलिए आपका ये चूंकि मैंने कॉलिन कैमा यहाँ पर जोड़ दिया है तो ये नहीं होगा आपका कॉल इन यहाँ भी है तो नहीं होगा यहाँ भी नहीं है ओनली टिश्यू इसमें प्रेजेंस होता है दोनों के अंदर फॉलोइंग इंक्लूड अच्छा क्वेश्चन है इनका ने कई जगह इसकी एक्सप्लेनेशन दी है रिक्वायरमेंट भी है तो सेकेंडरी टोटली सेकेंडरी कैमियम कौन कौन है एक तो कोर कैमियम टोटली सेकेंडरी है और आपके बैस्कुलर कैम्बियम इन डायकॉट रूट याद करो जो डायकॉट की रूट्स uh, होते हैं उनमें रेडियल बंडल पाए जाते हैं कुछ याद है आप डाइकॉट में जाएँ तो फोर रेडियल बंडल ये एन ने डायग्राम बना रखा है इज़ दैट क्लियर बेटा जी यस yes. अब आप क्या देख रहे हैं दिस इज़ फ्लोयम दिस इज़ वॉट दिस इज़ फ्लोयम ठीक है ये फ्लोयम है अभी तक आपके पास कोई कैमियम नहीं है आप कैमियम कैसे बनाओगे तो कैमियम का फॉर्मेशन हम करेंगे ऐसे ये ये कंजक्टिव टिश्यू है तो यहाँ से कंजक्टिव को लिया पेरिसाइकल का पार्ट कंजक्टिव पेरिसाइकल कंजक्टिव पेरिसाइकल कंजक्टिव पेरिसाइकल तो इस तरीके से टोटल कैम्बियम अभी अभी बनी है तो ये टोटली सेकेंडरी कैम्बियम आपके लिए मानी जाएगी ऐसे ही कॉर्क के अंदर होता है वो भी सेकेंडरी है तो सेकेंड एंड थर्ड हमारे लिए मोर करेक्ट आंसर बनता है ठीक है अच्छा क्वेश्चन है याद रखना फॉलोइंग कैम्बियम इंक्लूड है हाँ हो गया नेक्स्ट चलते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम प्रोटीन में दो तरीके के पार्ट हो सकते हैं एक आपका आ, एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन का पार्ट है और एक होते हैं को फैक्टर्स को फैक्टर अगेन डिफ्रेंश इन थ्री टाइप वॉट आपके को एंजाइम है कोएक्टिवेटर हैं प्रोस्टर ग्रुप होता है को एंजाइम होते हैं और मेटल्स होते हैं, तीन एनसाइडिन के ओनली को एनजाम नहीं होगा अगर यहाँ को फैक्टर आंसर नहीं है तो को एजाम हो सकता था लेकिन सबसे आ, आंसर ये है एपो एंजाम एपो एंजैम इज ए प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाम और को फैक्टर इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजैम बोथ आर इस शब्द को भी आप याद रखें स्ट्रक्चर में अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं नेक्स्ट चलते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड स्तंभ फर्स्ट और सेकेंड को आपको इसमें मैचिंग करनी है देखिए ध्यान से अच्छा क्वेश्चन है गटेजन एंड ट्रांसप्रेशन गडेशन आपके रूट प्रेशर के जरिए होता है और ट्रांसप्रेशन में पुलिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसप्रेशन पुलिंग फ़ोर्स थ्योरी तो रूट प्रेशर को बा आप बड़े आराम से इसमें गडेशन में स्टडी कर सकते हो क्लियर अब पुलिंग फोर्स यहाँ पुशिंग एंड पुलिंग फोर्स का कंसेप्ट है तो ट्रांसप्रेशन पुलिंग थ्योरी आपकी दी जाती है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स तो गडेशन आप कहते किसे हो तो गडेशन हम कहते हैं एक्चुअली एक जो लीफ होती है इसके मार्जिन से किनारे से ड्रॉप प्लेट के फॉर्म में जब वाटर uh, लॉस होता है यहाँ पर ये ड्रॉप प्लेट के फॉर्म में एकूमलेट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं गटेशन प्रोसेस क्या कहेंगे बेटा जी दिस इज़ कॉल्ड गटेशन और असेंट ऑफ सेपिल टॉल प्लांट कहा जाता है कि 130 मीटर तक ये पुलिंग uh, फोर्स के जरिए आपका वाटर मिनरल्स असेंड हो सकता है फर्स्ट में ए में आपका जा रहा है वन एंड थ्री वन एंड थ्री और बी में जा रहा है आपका सेकेंड एंड फोर्थ क्लियर फर्स्ट इसका सही आंसर बनता है नेक्स्ट वायरस ये बहुत बार क्वेश्चन आया है मेरी सेंस uh, uh, ये कहती है कि ये आगे भी आपके लिए आ सकता है वायरस फ्री प्लांट अगर आपको uh, बनाने हैं कोई इन्फेक्टेड प्लांट भी है और उससे आपको कल्चर के जरिए वायरस फ्री प्लांट बनाना है तो आप को एपिकल मैरिस्टैम लेना होगा प्राइमरी मैरिस्टैम लेना होगा देखो यहां पर बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि वाई, आ, एपिकल इज नॉट अफेक्टेड एनी टाइप ऑफ वायरस क्या कारण है कि अग्रस्तों तक पर वायरस का इंफेक्शन नहीं होता इसके दो कारण हैं वायरस आर ऑलवेज इनफैक्ट फ्रॉम दोज पार्ट ऑफ प्लांट दे हैव कंडक्टिंग टिश्यू जहां पर बेस्कुलर सप्लाई हो पानी की सप्लाई हो वहीं से इन्फेक्शन कर सकते हैं लेकिन

आपका ग्रीन सल्फर एनारोबिक है एक ही बैक्टीरिया है एरोबिक एनस लिख रखा है राइट right आंसर हमारा फर्स्ट है नेक्स्ट चलते हैं ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को ठीक है एक आयदे से आपके तीन क्वेश्चन जो आ चुके हैं उनसे रिलेटेड है कंसिडर द फॉलोइंग चूज द राइट ऑप्शन ये इको आर्बन एक आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसे एशीरी चकोलाई से बनाया गया है ठीक है अब आपका ये जी ए टी सी गाड़ी हो तो टाटा सी कुछ ऐसा याद रखना जी ए ए टी टी सी है ना पेलेंड्रोमिक डीएनए है और यहाँ पर इको आर्बन जो कट करता है वो आपके इस सेगमेंट से कट करता है इसे जी एंड ए के बीच में कट करता है और इसके स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है क्लियर अब देख लो अब ये आते कहाँ से तो एस ची रीचिया ठीक है कोलाई कोलाई है ना इसका पूरा नाम है अच्छा तो ई e यहां से आ गया सीओ यहां से आ गया तो ये जीनस है ये क्या है ये वंश और ये जाति यानी कि जीनस तो सीओ ऑप्टेन फ्रॉम स्पीसीज ये सीओ स्पीसीज है जाति है ना जाति से प्राप्त कर रहा है सही है इको e वंश से जीनस से प्राप्त किया है सही है इको e आर्बन कट जी और ए जी और ए के बीच में काटता है ऑल आर राइट सभी सही है अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना इसका क्लियर डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर में आता है हाई पर वर्क करता है और यह ऑप्टेन होता है आपके थर्मासेकस बैक्टीरिया से एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया है आपके लिए ये सेवेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मली हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है थर्मास बैक्टीरिया है और इसका जो टैक पॉलीमरेज है ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीसीआर प्रोसेस में एक्सटेंशन में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज इतने टेम्परेचर वर्क नहीं करते मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड बढ़िया है मैच और इंसुलिन ये एन ने लिख रखा है कि आपके जो इंसुलिन होता है एक्चुअली इसके अंदर एक ए रिंग होती है एक बी होती है और एक सी होती है लेकिन जब मेच्योर फॉर्म आता है तो इसमें ए एंड बी ही होती है और ये डाइसल्फाइड से आपस में जुड़ी रहती है ठीक है ऐसे इस तरीके से डाइसल्फाइड से ये अडैस रहती है आप इसको समझ सकते हैं ए एंड बी तो इसमें एबसेंट क्या होता है तो ये आपके लिए क्या हो गई ए और ये हो गई बी तो इस तरीके से इंसुलिन का फॉर्मेशन कराया जाता है लेकिन जो मेच्योर फॉर्म होता है इसका उसमें आपकी सी एबसेंट होती है तो ये बात हो गई क्लियर लैक ऑफ सी अब इसे आ, इस, आ, एक कंपनी है एली लीली अमेरिका की कंपनी 1983 में इसकी स्टार्टिंग प्रोडक्शन शुरू किया था और आपके जीन थेरेपी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशंसी सिंड्रोम जो कि जीन थेरेपी से रिकवर की गई थी एक फोर ईयर ओल्ड एक गर्ल थी जिसको 1990 में ये काम किया गया था तो आपके लिए ए में जा रहा है फर्स्ट और आपका जा रहा है थर्ड ए में फर्स्ट एंड थर्ड और बी में आपका है सेकेंड एंड फोर्थ क्लियर सेकेंड एंड फोर्थ नो डाउट फर्स्ट इज राइट नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है चार गो वो मिजेलसन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट सेमी बहुत क्वेश्चन पूछे थे अमोनियम क्लोराइड सीजियम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट चूज़ राइट ऑप्शन फॉर अब टर्म ठीक है ये है उपरोक्त शब्दों के लिए सही विकल्प का चयन के लिए ये किससे संबंधित है रिलेट विथ मीजियलेस्ट्रॉल एक्सपेरिमेंट हर से चेस एक्सपेरिमेंट हर से चेस ने तो एक्टिव का यूज किया था ग्रिफिथ में ट्रांस uh, ट्रांसफॉर्मेशन uh, uh, का यूज किया था जहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस uh, बैक्टीरिया uh, के दो स्ट्रेन लिए गए थे आर वन एंड एंड एस तो आपका मीजिल्स एंड स्टॉल करेक्ट आंसर बन जाता है ठीक है जी यहाँ पर डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस को स्टडी किया गया था अब विच ऑफ द फॉलोइंग बायो रिप्रेजेंट मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी एंड मैक्सिमम रेनफॉल सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है जब विविधता अधिकतम वर्षा तो आपके हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ कहा जाता है 150 फिफ्टी एंड एम है ना एम मिलीमीटर वर्षा से ये आपका 450 सौ mm तक जाता है जो किसी भी बायो में सबसे ज़्यादा है क्लियर बाकी कॉनिफर्स ये हिमालय में पाए जाते हैं तो वहाँ रेनफॉल नहीं वहाँ एक्चुअली आपकी स्नो हमें देखने को सबसे ज़्यादा मिलती है तो वहाँ उतनी नहीं होती है हालाँकि रेनफॉल को भी स्नोफॉल को भी प्रेसिपिटेशन में तो कंसिडर करते हैं रेनफॉल नहीं है है ना विच इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म अच्छा क्वेश्चन है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है लाइकेन इज ए एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म वेयर एलगी एंड फंजाई प्रेजेंस एन एसम बायोस रिलेशनशिप रूट नोडिल एंड राइजोबियम प्रेजेंस एज एसम बायोस रिलेशनशिप विद ईच अदर माइक्रोराइज फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्रेजेंस एज ए सिम्बायोस रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड बोथ प्रोवाइड बेनिफिट फॉर ईच बोथ रिक्वायर फॉर ग्रोथ ऑफ ईच अदर बट सी एनिमोन एंड क्लॉन फिज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिजिता की एग्जाम्पल है और यहां कहा जाता है कि क्लॉन फिश को लाभ होता है सी एनिमोन को इससे कोई लाभ नहीं होता है और तभी तो आप जानते हो कि एक प्लस और एक जीरो ये, प्लस एंड uh, आपके प्लस कुछ अमाउंट में देखने को मिलता है ठीक है प्लस एंड प्लस लेकिन ज्यादा लाभ आपका मिलता है इसमें चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। हाँ बढ़िया क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो आपके सक्सेशन वाले सेमिकोलॉजी में, में लिखा है कि हाइड्रोसी एंड जीरो फाइनली कन्वर्ट इन मीजिक या मीजो सीरी प्लांट म्यूजिक प्लांट का मतलब होता है जो बड़े बड़े वृक्ष हैं आप कोई भी सक्सेशन ले लो एनसीईआरटी में वो हाइड्रोसी वाला डायग्राम जरा ध्यान से देखना वो तालाब में से सक्सेशन शुरू हुआ है लेकिन लास्ट वाला डायग्राम देखो वहाँ बड़े बड़े वृक्ष आ जाते हैं ठीक है, है। क्लाइमेक्स जो वेजिटेशन होती है जो चरम वनस्पति होती है वो बड़े बड़े वृक्षों के रूप में होती है क्योंकि उसे लंबे समय तक उस एरिया में एग्जिस्ट रहना होता है ठीक है उस पर क्लाइमेटिक कंडीशन मिनिमाइज अफेक्ट करती है और वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए हाईलीड होते हैं मीजो फाइट आप कहे हैं बरगद है पीपल है Uh, सागवान है ये बड़े बड़े वृक्ष इस कैटेगरी में आते हैं तो हाइड्रोसीरी अच्छा मध्य अवस्था भी है एक्चुअली uh, जब सक्सेशन की क्लाइमैक्स कंडीशन आती है तो डेंस फॉरेस्ट आते हैं और वहाँ इंटरमीडिएट कंडीशन होती है रेनफॉल भी होता है और ड्राइनेस भी हमें देखने को मिलती है तो ये एन के चूँकि लाइन है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जनरेट किया है एक्स को सेलेक्ट करना है तो मीचिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी चाहे हाइड्रोसीरी हो चाहे जीरो सीरी हो बोथ आर कन्वर्ट इन Magic, सम अवस्था में कन्वर्ट होती है ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है आप इसे ध्यान देना क्लियर रही बात एनसीआरडी बेस की तो आप जाके एनसीआरडी में से देख भी सकते हो अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड ऑलवेज रिप्रेजेंट अपराइट एकमात्र एनर्जी का ऐसा पिरामिड है जो अपराइट होता है एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर पर आती है क्योंकि कहा जाता है कि सनलाइट इज ए अल्टीमेट रिसोर्स ऑफ एनर्जी नेचर और दूसरी बात में ये कही जाती है कि ऑल हेड्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड मटेरियल सभी विसम पोसे जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं तो आपका जो टी है वो प्रोड्यूसर हैं टी ही है जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं वहां से टेन परसेंट रूल के बेसिस पर या थर्मोडाइनमिक के जो रूल्स हैं उनके बेसिस पर एनर्जी अबर्ड यानी कि टी टू टी थ्री टी फोर की ओर ट्रांसफर होती है टॉप कंज्यूमर की ओर इन का पिरामिड हमेशा अपराइट होगा बाकी नंबर फॉरेस्ट में ये इनवर्टेड होता है पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट दोनों हो सकता है है ये भी होता है। तो ये आपके आंसर नहीं होंगे आपका आंसर यही बनेगा रमेश चंद डागर हैज क्रिएटेड हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब ही इज रिलेटेड विथ फॉलोइंग किससे रिलेटेड है सोनीपत में रहने वाले एक किसान हैं इन्होंने ओबियसली आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती पर बहुत अच्छा काम किया है जिसे जीरो वेस्ट एग्रीकल्चर कहते हैं इसमें आ, आपके प्लांटेशन भी होती है पिसी कल्चर भी फिशरीज भी होती है आपकी हनी कल्चर भी होता है सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है तो जीरो वेस्ट मैकेनिज्म हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर अच्छा है एन ने अभी नाइ डाइग्राम बायोमोलिक्यूल में इंक्लूड किए तो कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना उसमें क्या होता है हीम पार्ट होता है बेटा जी ध्यान से सुनना इसको हीम पार्ट ये सपोज एक हीम पार्ट है क्लियर ये अब आपके क्या आते हैं ये आपकी टर्सरी प्रोटीन आई ठीक है ये अल्फ़ा है और दूसरी आ गई अल्फ़ा डैस क्लियर बाबू ये अब आपकी तीसरी कौन आ रही है ये 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 आपकी बीटा आ गई बीटा जो टर्सरी प्रोटीन है और फिर आपकी ये आ गई तो आपकी ये हो गई बीटा डैस और ये टोटल हो गया आपके लिए हीमोग्लोबिन इसे हम कहेंगे हीम पार्ट जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो कहा जाता है कि जब एक से ज़्यादा टाइप के टर्सरी प्रोटीन किसी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप से या नॉन प्रोटीन पार्ट से असंबल हो जाते हैं तो हम उसे क्वारनरी प्रोटीन कहते हैं क्या कहते हैं क्वारनरी ठीक है एक ही पॉलीपेप्टाइडल चेन जब थ्री फॉर्म में आ जाती है तो उसे प्रोटीन कहते हैं तो आप इस चीज पर ध्यान रखना फोकस करना एनसीआर ने चूंकि डायग्राम इसका यूज किया है और नो no डाउट ये बहुत बढ़िया है अकॉर्डिंग टू बी आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट में अभी पिछले साल कौन कैना बलिन क्वेश्चन पूछा गया था पहले लैक्टिन पूछे गए थे ठीक है एक एक साल एंथोसाइनिन पूछा गया था तो मैं जानता हूँ या समझता हूँ कि संभावित जो क्वेश्चन है अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट से आएगा तो वो यही होगा एब्रिन एब्रिन और रिसिन दे आर टॉक्सिक सब्सटेंस. सबसे पहली बात तो यही हो जा है एब्रिन कहाँ से ऑप्टेन होता है एब्रिन ऑप्टेन फ्रॉम एब्रस प्रिकेटोरियस एब रस प्रिकेटोरियस टोरियस याद रहे ये हमारे काम का है क्यों ये फा बेसी का मेंबर है जो एन में दी गई है एब्रस से हमें एब्रिन मिलता है इसे हम रत्ती कहते हैं आप लोगों ने अक्सर एक दूसरे को डायलॉग दिए होंगे कि तुमको तो हम रत्ती भर भी कोई चीज नहीं देंगे वो रत्ती है कौन एक्चुअली एब्रेस प्रेकेटोरियस के सीड्स हैं जिन्हें रत्ती कहा जाता है वेट ऑफ ज्वेलर्स कहा जाता है है ना इनमें टॉक्सिंग सब्सटेंस होता है आपका एब्रिन चूंकि एन में लिखा है तो कभी भी आपके सामने आ सकता है रेशीन ये कहाँ से मिलता है रेसिनस कम्यूनिस्ट रेसिनस कम्यूनिस् इससे हमें मिलता है और एसिनस कम्युनिस को कहते क्या है कैस्टर एक कैस्टर के सीड से हमें ऑप्टेन होता है ठीक है बस इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना चाहिए प्रॉपर वे में है ना कोई बड़ी बात नहीं है कैस्टर को हम खूब देखते हैं समझते हैं उसमें रिसीन पाया जाता है दे आर टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्लूड एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नेक्स्ट यस सेलेक्ट मिसमैच्ड पेयर असुमिलित का चयन कीजिए अकोरिया बिल्कुल एन सी ट्वेल्थ में लिखा है टेरर ऑफ बंगाल ठीक है जी लाइक इंडिकेटर बिल्कुल सही साथी, साथी, रूट, बिल्कुल सही एल्गल ब्लूम के लिए याद रखना कि ये झील में पाए जाते हैं वो भी यूट्रोफिकेशन जहां होता है वहां ये तालाब ये रिवर और मेराइन समुद्र में कभी भी नहीं पाए जाएंगे ठीक है जी समुद्र में एल्गल ब्लूम नहीं बनते याद रहे स्टैंड वाटर होता है स्टेगनेंट वाटर होता है जहां न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है यूट्रोफिकेशन वहीं पर बनता है आप इस पर ध्यान देना ठीक है जी नेक्स्ट हार्मोन रिलेट विद द फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन कोकुम्बर कोकुम्बर में जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है एनसीआरडी में ये लाइन है अक्सर इस पे एग्जाम पर क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छा क्वेश्चन है नो no डाउट तो नो no डाउट हमने आ, उम्मीद की है आपसे कि इसमें मैक्सिमम आपने आ, अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा अच्छे मार्किंग हासिल की होगी है ना उसके बावजूद भी हाँ एक ट्रेंड देने की कोशिश किया की गई है आ, नो डाउट सी एल सी प्लेटफॉर्म का ये अच्छा आ, आ, अच्छा क्या मैं कहूँ स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन वर्क है नो डाउट आप इसे बिल्कुल कंटिन्यू रखें और बाकी जो हमारे एस सी एन सी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर जो मटीरियल है है ना फिजिक्स को है गुरु नीति है आप इन्हें ज़रूर देखते रहें आप इन इनको कंटिन्यू फॉलो करें ओके थैंक यू